गाइस वेलकम बैक। आई होप आप सब ने हल्दी का फंक्शन बहुत एंजॉय किया होगा। तो आज लगनी है फातिमा की मेहंदी, यानी कि आज है मंडा। तो मंडे की सुबह हम सब ने मेहंदी लगवा ली थी क्योंकि हमें फंक्शन एंजॉय करना था। एंड गाइस फातिमा का बहुत ज़्यादा मन था कि उसकी मेहंदी रिजवाना और अरीशा लगाएं, जो कि हमारी पुप्पी की बेटियाँ हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी गॉसिप चल रही थी, मेहंदी लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड पर्दे के पीछे थी हमारी दुल्हन। एंड अब फातिमा की मेहंदी हो गई है स्टार्ट, जो कि लगेगी शाम तक, क्योंकि दुल्हन की मेहंदी जो होती है वो बहुत टाइम लेती है, बहुत अच्छे से लगाई जाती है। एंड यहाँ पर 2 बजे मेहंदी स्टार्ट हो गई थी एंड शाम के 7 बजे तक मेहंदी लगी है, क्योंकि लड़कियों को भी ब्रेक लेना था बीच बीच में। नो डाउट गाइज, मेरी फूफी की जो बेटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। आपने अनाया के जो ड्रेसेज हैं वो तो देख ही लिए होंगी। एंड ये रही मेहंदी की डेकोरेशन। एंड गाइस डेकोरेशन को कंप्लीट करवाया मेरी चिल्लर पार्टी ने एंड सब मेरे साथ लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बच्चों ने, डांस करने के साथ साथ उन्होंने डेकोरेशन भी कंप्लीट करवाई। एंड ये रही हमारी फाइनल डेकोरेशन, जो कि दुल्हन के कपड़ों से मैच थी। अब बारी आती है मेरे अनाया और आतिफ के आउटफिट को देखने की। तो आज मैं वेयर करने वाली थी ग्रीन कलर का सूट, इसके साथ ये झुमकी एंड यहाँ पर ये रही अनाया की फ्रॉक से मेरे कपड़ों से मैच। एंड इसके साथ वेयर करेगी अनाया ये वाले सैंडल एंड ये है आतिफ का आउटफिट। एंड गाइस टाइम है बहुत ज़्यादा कम, तो जल्दी से तैयार होकर चलते हैं फंक्शन में। एंड मैं आपको बता दूं कि आज होगी मंडा छपाई रसम। इस चीज़ को शायद काफ़ी लोग जानते होंगे एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये एक गेम की तरह होता है। जैसे दुल्हन घर आती है और वो रिंग वाली रसम होती है, उसी तरह से भाभी और जीजा में ये वाली जो होती है रसम, वो मजाक के तौर पर की जाती है। एंड ये रसम आतिफ के लिए पहली बार हो रही थी, तो फिर बस आतिफ को डॉलीबाजी सब समझा रही थी कैसे क्या करना है। तो फिर चलते हैं अपने दूसरे वाले घर में जहाँ होनी है रसम। तो आज रात में पढ़ा दो क्या तुम्हें, वो भी रिकॉर्ड कर दी। एंड की रसम करेंगी भाभी एंड भाभी को हल्दी और आटा मिक्स करके आतिफ के पीठ पर छापा लगाना होगा। तो इस चीज़ के लिए भाभी और आतिफ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि दोनों के लिए फर्स्ट टाइम ये रसम थी। हटो 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 अनाया
धक्का नहीं मार रहा है बस हो गया और मार दो चेंज लेके मारना ये कुर्ता ना खराब हाँ ये सही रहेगा आते पता है फिर भी कुर्ते पे आ जाएगा तो धो लो तो फोटो तो हो गया धो लो मैं भी धो लूं हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा लिफाफा दो ना इसकी भी तो वीडियो है चलो चलो भाभी बहुत तेज बहुत तेज ये असली पुरानी दिल्ली का खाना है वालेकुम अस्सलाम ठीक है पैसा तो थाली है बच्ची है हटिए बच्चों आए लड़ो बस ये भाई से मुलाकात बहुत जरूरी है ये भाई गर्मी में है एक गेम में लड़ा है पुराना वाला पुराना वाला याद आना चाहिए मतलब पुराने लोगों को कभी भाभी बहुत सो रही है हमारी मुझे ये थोड़ी है यार शादी से पहले क्या करूं मैं ये रात कितनी लंबी हो गई है कौन रोक पाएगा हम नहीं रोक पाएंगे तुम्हारी
तुम्हारी जो बहनें बड़ी नॉटी हैं। ऐसे लगा दो सामने पापा इसके फातिमा की नहीं हाथ पे वो करिए। देखिए सामने घर आगे बढ़ गई बहुत आ गया चाचा सामने देखना सर थोड़ा घूम गए हमारे तरफ ये कपड़ों का हाथ लगा इधर देखिए ऐसी देखो दोनों लोग ऐसी देख लीजिए सामने से हटिए सामने से थोड़ा साइड में आइए हाथ लाइए हाथ लाइए देखिए इधर देखिए साइड साइड फोटो देखो
पीछे हो जाओ, सामने देख रहे सब लोग, इधर अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बिल्कुल डन।